गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं ना द बेस्ट लिप टिंट्स का आपको रिव्यू देने वाली हूँ, जो कि मैंने रिसेंटली ट्राई किए हैं, और वो हैं द एटीट्यूड हाउस के लिप टिंट्स। सो ये हैं फिक्सिंग टिंट्स, और मैंने सबसे पहले ये वाला परचेस किया था, और इसको परचेस करने के बाद जो मेरा रिएक्शन था वो ये था। मैंने जैसे ही इसको परचेस किया और इसको ट्राई किया, मैंने ये तीनों साथ में ऑर्डर कर दिए थे। इतना ज़्यादा मुझे पसंद आया था ये फिक्सिंग टिंट, और मैं आज इनको टेस्ट करने वाली हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम ही इनको ट्राई करने वाली हूँ, बट मैंने ये एक ट्राई किया हुआ है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत प्यारा लिप टिंट है। इसका फॉर्मूला, हर एक चीज़ बहुत अच्छी है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हैं ये लिप टिंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि मेरे लिप्स जो हैं वो पिगमेंटेड हैं। अगर आपके पिगमेंटेड लिप्स हैं तो जो कलर मुझ पे सूट होगा वो आप पे भी सूट हो जाएगा। सो दीज आर दी ओजी फेमस एटीट्यूड हाउस फिक्सिंग टिंट। ये इजीली आपको किसी भी ब्यूटी ऐप पे मिल जाएंगे, बट इफ़ नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। एंड काफ़ी नाइस वेलवेटी पैकेजिंग है इनकी। सो आई हैव फोर शेड्स हियर, दो लाइट शेड हैं और दो डार्क शेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट शेड विच इज़ 14 रोज लाइलैक। सो एप्लीकेटर की बात करूँ तो काफ़ी बेसिक एप्लीकेटर है, और इसमें इसका शेड ब्राउन दिख रहा है, बट नहीं, इसका शेड है मॉविश डीपर पर्पल। जैसा पैकेजिंग में दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही शेड है इसका। सो मैं यहाँ पे टू लेयर्स अप्लाई करके दिखाऊंगी। फर्स्ट लेयर अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ, और फर्स्ट लेयर अप्लाई करने के बाद काफ़ी अच्छा लाइट पर्पल शेड आया है, और काफ़ी ब्लरी इफेक्ट दे रहा है ये। बट सेकेंड लेयर के बाद ये और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, डीपर पर्पल गया है। अगर पिगमेंटेड लिप्स हैं तो ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लगने वाला है, और नहीं है तो भी ये शेड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट शेड। ये है 05 मिडनाइट मॉव। ये बहुत ही वायरल शेड है, क्योंकि ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, ऐसा कहते हैं। सो लेट्स ट्राई कि ये मेरे लिप्स पे कैसे लगता है। सो फर्स्ट लेयर अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ। फर्स्ट लेयर में ये माई लिप्स बट बेटर वाला इफेक्ट दे रहा है, बट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ओके लग रहा है। बट सेकंड लेयर में ना ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा न्यूड शेड लग रहा है मेरे ऊपर, और मेरी लिप्स पे काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है। सो अगर आपके भी पिगमेंटेड लिप्स हैं तो दो तीन लेयर आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, बट बहुत ज़्यादा अच्छा शेड लगेगा। सो ये शेड है 06 सॉफ्ट वॉलनट। डजंट मैटर कि आपका कौन सा स्किन टाइप है, आपके कौन सा लिप टाइप है, ये सबके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगने वाला है। ये ब्राउनिश न्यूड शेड है। अभी मैं इसकी फर्स्ट लेयर ही अप्लाई कर रही हूँ, और आप देख सकते हो इसका शेड कितना ज़्यादा प्यारा आया है। इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, और ड्राई होने के बाद ये और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट ये ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं है, बहुत क्रीमी है। सेकंड लेयर के बाद तो ये और भी ज़्यादा फ्लॉलेस शेड है। आई एम टेलिंग यू गाइज, ये शेड सबके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगने वाला है। आई मीन लुक एट द शेड यार, ये मेरा फेवरेट शेड है इनमें से। सो दिस इज़ द लास्ट शेड 03 मेलो पीच। इस शेड को लेके मैं बहुत ज़्यादा डाउटफुल थी, बट आई वॉन्ट दिस शेड वेरी बैडली। मतलब एक पीच शेड तो होना ही चाहिए। ये एकदम प्योर पीच कलर है। फर्स्ट लेयर अभी मैं इसकी अप्लाई कर रही हूँ, और इसको अप्लाई करने के बाद मुझे लगा नहीं था बिल्कुल भी कि मेरे ऊपर अच्छा लगेगा, बट ये काफ़ी नेचुरल शेड दे रहा है। और सेकंड लेयर के बाद तो ये और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ही नेचुरल, डेली वेयर के हिसाब से काफ़ी अच्छा शेड दे रहा है। सो ये मेरे लिप्स पे अच्छे से सूट कर गया, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इस शेड से। सो हियर आर द स्वाचेस फॉर यू ऑल गाइज। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मेरे लिप्स पे ये शेड दिख रहे हैं वैसे ही आपके लिप्स पे भी दिखें। सो स्वाचेस देख के आप डिसाइड कर लो कि आपके टाइप का शेड कौन सा है, और आपको अपना शेड पिक करने में ईजी हो, इसलिए मैंने स्वाचेस करके दिखा दिए हैं। और मैं बता दूँ, ये बहुत ही क्रीमी वेलवेटी टेक्स्चर है, और बहुत ही ब्लरी इफेक्ट देने वाले हैं, बहुत अच्छे लिप टिंट हैं, मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। बट ये स्मच प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, बट 2-3 आर इजीली लास्ट करते हैं, और रिमूव होने के बाद ये रहा टिंट। मैं शॉर्ट्स डाल दूंगी तो वो आप ज़रूर चेक कर लेना अगर आपको शेड्स समझ में ना आए हों, क्योंकि ये चारों ही शेड्स बहुत ब्यूटीफुल शेड्स हैं। सो प्लीज़ चेक करना। सो गाइस, मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।